छोटा मतलब भड़क के बस बात ख़त्म हो गई। ये तो इस बार हुआ इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये मैन्युफैक्चर्ड वायलेंस, ये पॉलिटिकल वायलेंस। राजस्थान में वेलकम बैक टू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इन दिस सेगमेंट वी बेसिकली डिस्कस अबाउट उत्तर प्रदेश एंड इट्स इलेक्टोरल इम्पैक्ट इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस। वी ऑल नो दैट यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स एंड वॉट एवर हैज़ बीन गोइंग ऑन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, डू यू थिंक इट्स अ प्रीकर्सर टू द इलेक्शंस ऑफ 2014 रविश? नहीं नहीं, ये सारी पृष्ठभूमि तो चुनाव की ही है जितनी इनकी सक्रियता है, और लेकिन अभी भी मैं थोड़ा ना इसको शक के दायरे से देखना चाहता हूँ कि इतना जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई 20 साल तक 92 के बाद से कम्युनल पॉलिटिक्स को ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो या बीएसपी के साइड से या एसपी के साइड से मार्जिनलाइज्ड किया जिस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वो अगर नहीं टूटेगा तो ये सारे कैमोफ्लेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर मायावती का अपना कास्ट बेस सोशल बेस अगर बना रहता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर फिर भी मुलायम किसी तरीके से होल्ड कर पाते हैं तो इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनके स्ट्रेंथ को, तो वो देखना पड़ेगा कि वो टूटता है कि नहीं टूटता है। नहीं तो ऐसे अर्थमेटिक लगा देने से कि अमित शाह वहाँ गए हैं और ये करा देंगे वो करा देंगे तो 30 सीटें मिल जाएंगी या 40 सीटें मिल जाएंगी, थोड़ा आसान लगता है। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि बीजेपी के पास उन 40 सीटों को जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार हैं भी क्या? जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेके बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी वो साहब ये कह रहे हैं कि करीब 40 सीटें बीजेपी की आएंगी, 50 सीटें बीजेपी की आएंगी। आप पता नहीं सर्वे का तो मुझे नहीं, ये सब उसी डिज़ाइन का हिस्सा है जिसका इशारा जया कर रही है। सर्वे का तो मुझे नहीं आइडिया बहुत कि क्या अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अभी कम हो गया इनके विधानसभा की सीटें में, हाँ। सीटें कम हो गई 10 सीट लोकसभा में, अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अचानक हम उसको 50 मान रहे हैं? आने तो दीजिए ना, 50 कैसे मान रहे हैं हम, 40 कैसे मान रहे हैं, किस बात के आधार? एक सीन था कि जैसे जो कांग्रेस ने अनएक्सपेक्टेडली पिछली बार 21 सीटें जीती थी उसमें कुछ कमी होगी, उसका थोड़ा सा गेन शायद बीजेपी को मिल सकता था, तो वो 10 से 15 हो सकता था, इतना तक जा सकता था। अब बाकी 50 जाएगा 40 जाएगा ये थोड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि नहीं उनको 80 आ जाए, लेकिन इस स्टेज पे नंबर डिबेट करना बहुत मुश्किल है कि मतलब उसका ग्राउंड क्या है किसी पार्टी का, आप समाजवादी का कहें या बसपा का कहें, उनका ग्राउंड है, सोशल कॉम्पोजिशन है उनके पास, इनका क्या ग्राउंड है? इसलिए कि शहर में इनके बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, इसलिए कि कहीं कहीं दंगे हो गए हैं तो सारे लोग इन दंगे के नैरेटिव्स को असलियत को लोग आखिर जानते भी तो होंगे ना, अगर उनको मोदी नेता चुन ही लिया है तो वो वैसे ही वोट दे देंगे, फिर इतने ध्रुवीकरण की क्या जरूरत है? बीजेपी का अयोध्या मूवमेंट से पहले या जनसंघ का अयोध्या मूवमेंट से पहले कभी भी यूपी में 10% से वोट ज़्यादा नहीं हुआ। एक बार भी अयोध्या मूवमेंट के बाद उनका 10 से 30-35% हुआ। ये जंप हुआ जो कि सिर्फ एक अयोध्या मूवमेंट की वजह से था, राम जन्म भूमि। अब जब वो एक बार पीटर आउट हुआ तो उसके साथ साथ बीजेपी भी पीटर आउट हो गई, और जो एक वहाँ की एक नेचुरल डायनामिक्स हैं कुछ हद तक, ये मैंने कहा जो एक सिंक्रेटिक कल्चर की डायनामिक्स है, और कुछ हद तक कास्ट यूपी में बहुत सेंट्रल, मगर उत्तर प्रदेश में कास्ट के बिल्कुल एक अलग माने हैं और उसका एक अलग सेंस है। अब बीजेपी का को अगर अपने को फिर से सामने लाना है और जैसा कहा जा रहा है कि 10 से उनको 30 या 35 40 तो देखिए उनके पास क्या स्ट्रैटेजी, वो तो फिर वही जो उन्होंने 1992 में किया था वही फॉर्मूला उनको रिपीट करना है, और कम्युनल पोलराइजेशन की ही बेसिस पे वो समझ रहे हैं कि वो एक तरह का इसमें हमें नहीं मिलना चाहिए कि इन 20 सालों में बीएसपी हो या एसपी हो, अब ये किसी जल्दीबाजी में किसी कास्ट आइडेंटिटी को लेकर जमा की हुई पार्टी नहीं है, नहीं है, ये लोग रूलिंग पार्टी हैं और ये गवर्निंग क्लास हैं, तो उसका वोटर जो है क्या इतनी आसानी से अपने गवर्निंग कैरेक्टर को छोड़कर जय श्री राम करेगा, जय भीम को छोड़ देगा? देखिए कि ये जो लोग हैं जिनका भी रविश ने जिक्र किया, चाहे वो दलित हों चाहे वो ओबीसी हों या मुसलमान हों, इन सबको एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली है, सिटीज़न आइडेंटिटी। कास्ट आइडेंटिटी वो नहीं है, वो एक तरह की सिटीज़न आइडेंटिटी है, क्योंकि उनको लगता है कि वो पावर शेयरिंग में उनको वो एक हिस्सा मिला है।
जो एक हिस्सेदारी हुई है वो अब आसानी से नहीं जाएगी। इसलिए देखिए इतना ये कहना टीवी स्टूडियोज़ में या अखबारों में या प्रोपेगेंडा में ये कहना आसान है कि बीजेपी को 40-45 सीट्स मिल जाएंगी, जैसा अभी इन्होंने कहा ये यकीनी इम्प्रूवमेंट होगा और शायद कांग्रेस का डिक्लाइन होगा और उसका हो सकता है, मगर अभी कहना मुश्किल है। To play the devil's advocate, so had we been having this discussion about a year or a year and a half back, and then had I said that, you know, Modi will come to the national picture, I think all of you would have laughed at me. In the last 1.5 years, it's a reality. We've seen Modi coming out of reality. We've seen him coming to the center. We've seen him virtually tripping Advani, and now we are at the cusp where he will be announced as their prime ministerial candidate. So Modi per se has become a reality in the last 1-1.5 years, whether we like it or not. उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, reality accept कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले ये उम्मीद करना कि उत्तर प्रदेश के पिछले इतिहास को देखते हुए कि इतनी आसानी से वो 40 सीट क्रॉस करेंगे या 45 करेंगे, अगर वो कर जाते हैं, यही उनकी लड़ाई है, तो निश्चित रूप से अमित शाह से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ना राजनाथ कर पाए ना कलराज कर पाए। तो आज जिस तरह से आडवाणी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है मोदी को, कल को राजनाथ सिंह को अमित शाह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। इसमें ये बात आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी की जो नज़र है वो इस वक्त और मोदी की प्रिंसिपली यूपी के ऊपर, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ की बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है, जहाँ वो पहले से एस्टैब्लिश हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अभी जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है उसमें देखना पड़ेगा कि इनका गेम कितना आसान हुआ, इसलिए ना क्योंकि यूपी उनके 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 फार्मूले के लिए ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस को यूपी में कवरेज का, मीडिया कवरेज का ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों विनिंग पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। आप विधानसभा चुनावों को देख लीजिए या लोकसभा को देख लीजिए, कोई समाजवादी या बसपा को उस तरह से बात नहीं करता, बीजेपी की ऐसी बात करेगा जैसे कोई सरकार। आप जो बात कर रहे थे वो क्या, मैं ये कहता कि यूपी बीजेपी की जो फार्मूला है ना, बीजेपी वाले के फार्मूले के लिए यूपी सबसे बढ़िया ग्राउंड है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 20% है, तो वो बंगाल भी है, क्यों नहीं हो सकता, केरल भी है, इतना नहीं, पर इतनी नहीं है शायद, इतनी और इतना कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब पॉकेट्स में या मिक्स्ड यूपी मुस्लिम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल इमेजिनेशन में उसका एक बहुत अहम किरदार है। ये मतलब वो आसाम के मुसलमान चाहे, ये देखना पड़ेगा या बंगाल की, मोदी जो क्लेम कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोग उन्हें डेवलपमेंट के नाम पर वोट देंगे और उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो या तो सब कोई डेवलपमेंट के नाम पर उनको वोट देगा, एक पॉकेट कैसे देगा हिंदू मुस्लिम? मीडिया को भी देखना चाहिए, मीडिया इस बात को देख रही है, मीडिया क्या करने वाली है। आप उस अखबार का जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ, आप उसकी हेडलाइन देख लीजिएगा, महान पंचायत के बाद से पहले की जो हेडलाइन। द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल टेक बिफोर वी रैप अप, हाउ डू यू ऑल सी इज द बीएसपी प्लेस, देयर एमपी हैज बीन बुक्ड, दे आर वेरी क्वाइट ऑन दिस, दे आर लेटिंग इट प्ले आउट, दे आर वेटिंग इन द विंग्स एंड वॉचिंग, एनालिस्ट्स आर सेइंग दैट दे मे बी बिग गेनर्स एज फार एज द मुस्लिम वोट इज कंसर्न्ड। उस केस में अगर उनके एमपी की भूमिका है, जो कई उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिए, तो निश्चित रूप से उनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मायावती इस मामले में स्मार्ट है, वो एक्शन लेके कैंडिडेट बदल देगी इस मामले में, इतना तो कर लेगी, लेकिन वो सांसद साहब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बीएसपी के हैं या नहीं है। पर मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई में जो अमित शाह अगर उम्मीद कर रहे हैं तो मायावती मुस्कुरा रही है। देखिए इसमें एक अब जाहिर नई पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो गई, ये भी मुमकिन है कि नए अलाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि कांग्रेस और बीएसपी में कुछ बैक चैनल अब डिस्कशन हो गए, अगर फर्ज करिए किसी तरह का भी सीट एडजस्टमेंट हुआ कांग्रेस और बीएसपी में, तो उससे तो पूरी जो कि एक बार हो चुका है विधानसभा, तो पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल जाएंगे, तो फिर तो ये जो पूरी अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, मोदी की स्ट्रैटेजी, जिसमें हमारे हिसाब से कोई ऐसा खास दम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग समझदार लोग हैं, और देखिए उत्तर प्रदेश की तो पूरी एक सिविलाइज्ड एक वो है, हिस्ट्री है, ठीक है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, मगर एक तो उसमें ये समझना कि वो एक बार हो गया 1992 में, मतलब उससे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबक भी सीखा,
और उस वजह से इतना आसान ये बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश है निश्चित रूप से। और आखिर में मैं बस सिर्फ ये कहूँगी कि इसमें एक तो ये कि पॉलिटिकल रियलाइनमेंट्स हो सकते हैं और दूसरे ये है कि इसकी वजह से मुस्लिम वोट जो है वो स्प्लिट हो सकता है। अभी तक अगर वो खाली समाजवादी की तरफ जा रहा था तो अब बहुत मुमकिन है फिर से वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो जो कि बीजेपी नहीं चाहती थी और तो इसलिए बीजेपी का काफी नुकसान भी हो सकता है जो बात आप दोनों कह रहे हैं। ये दिख रहा है जो आप लास्ट में जो है ना जो बात की ये दिख रहा है कि मुसलमानों का एक 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 तरह से मोह भंग हुआ है। ये कई जगहों पे मैंने देखा, ये मैंने फैजाबाद में भी देखा। क्योंकि आप वही बात है ना कि तब तक डरा के तो आप ले सकते हैं लेकिन जब सामने वाला मरने लगा तब वो पूछ रहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप ही की थी, है ना, और वहाँ पे आप नहीं बचा पाए तो वो जो मोह भंग हो रहा है वो तो हो ही रहा है। दूसरा है कि मैं ये कह रहा जो अलाइनमेंट वाली बात आपने कही, बीजेपी भी बहुत मायावती के लिए इस समय बहुत सॉफ्ट रख रही है यूपी में, तो वो लेकिन मायावती जाएगी आसानी से। आउट ऑफ टाइम नाउ वी हैव टू रैप अप दिस सेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इन फैक्ट वी टॉक्ड अबाउट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश राइट्स बट क्लियरली वी आर ऑल अग्रीड ऑन दिस दैट दिस इज अ प्रीकर्सर टू द लोकसभा इलेक्शंस व्हिच विल बी हेल्ड इन 2014। थैंक्स।